डियर स्टूडेंट्स, अब हम हिस्ट्री करेंगे चैप्टर 7 एसी 12 फिजिक्स, जो हमारी एसीएफ की वैल्यू है अल्टरनेटिंग करंट और एक कंप्लीट साइकिल। एक पूरी साइकिल में दो बार वैल्यू मैक्सिमम होती है, प्लस सपोज 5 एम्पीयर, माइनस 5 एम्पीयर मीन्स प्लस आई नॉट माइनस आई नॉट। सो एवरेज कितना आएगा अगर हम मीन निकालें तो 0। इसलिए सिंपली मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इसको मेजर नहीं कर पाते, तो उसका हमने क्या है कि एक हाफ साइकिल के लिए मीन्स एक पल्स के लिए हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट साइकिल, इसके लिए क्या है 0 to T/2 मीन्स ये कितना टाइम होगा इस तरफ, यहाँ T/2 और ये T/2। तो हाफ साइकिल कितनी आती है +2 I/5, व्हाट इज I/5 पीक वैल्यू, ये सीधी पीक वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है। तो इसको सॉल्व करते हैं तो आता है 0.637 I/5, अप्रोक्स समझिए कि 63.7% ऑफ पीक वैल्यू। जस्ट लाइक करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज की एवरेज या मीन वैल्यू भी सेम होती है, उसी तरह से फाइंड करते हैं। सेकंड हाफ साइकिल के लिए कितनी हो जाती है वैल्यू, नेगेटिव, सेम नेगेटिव आती है। सो इन्हें कंप्लीट साइकिल एवरेज से 0 आ जाता है। तो हम हाफ साइकिल के लिए ही मीन या एवरेज वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसी की आरएमएस वैल्यू स्टडी करेंगे। थैंक यू।